আমরা ঢুকবো বলি কিন্তু গাড়ি চলে यात्रा जिसे शुरू हुए 9.5 साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को, फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और विश्लेषण युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटो लाइफ में प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन शुरू हो गई। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से Thank you.
हकीकत छुपे और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्टोरस चूहे जैसे आकार का है। प्राचीन भारत समाप्त हो गए और यांत्रिक जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इन 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भाई थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियनो फाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई थी और इसका वजन 75 समुद्र में रहते। सबसे प्राचीन हवा में रहते। इसी दिन प्रथम पक्ष आर्किया का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर गई थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। सॉल्स की पीठ पर नौका के पास की तरह एक अंक हुआ करता है जिससे वो परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टायरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही लाल चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। এগুলো সব ডাইনোসর। এটা ডাইনোসর ডাইনোসর। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर रास्ते इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी आंधी का पृथ्वी से जा टकराई जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया। विशाल Thank you.
আরো আছে হাতি, ও দেখো তো বড়। হ্যাঁ মনে হচ্ছে আমরা সেই জায়গায় চলে এসেছি। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यवहिप्पस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट्स ने इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्म में हुए। डायनोट्रायमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां माता का भी बड़े स्तर में शीतल हाथी। ভূতের আওয়াজ দিয়েছে তো कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोहिदास रोहिदास स्तनपाई और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बना लिया था। पुष्पवत आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मादिलों में उन दिनों मौजूद थे। सिंदर जूट वाले बाल और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शाम से गुजर कर रहे हैं। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने की आपको इस खबर में मजा आया हो। कहां जीवन जीवन के साथ अन्य रंगों में बदल गए हो। दूसरे ग्रह पर तुम जीवन पैदा हो मानव इलाका और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक की भारतीय विकास का इसी और पहले लोग कर रहे होंगे। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए এটা হলো হাওড়া ব্রিজ। সায়েন্সের এরিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। আর তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা দেখেছো। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে আলোকে ক্লিক করে দিও। আমার এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আজকের মতো টাটা। আবার নেক্সট কোনো ভালো ভিডিও বা এডিটিং শো বা যে কোনো ভ্লগ নিয়ে দেখা হবে। তাহলে আজকের মতো টাটা।